सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने भी जब इसका टाइटल सुना था ना तो मुझको भी लगता है फिर से किसी सेलिब्रिटी का वीडियो लीक हो चुका है। लेकिन आपकी खुशी को कुचलते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बॉलीवुड की नई फिल्म है स्टारिंग राधिका मदान और निमृत कौर। तो कैसी है ये फिल्म आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो ऑलरेडी आपको मालूम है वो है चैनल को सब्सक्राइब करने की। और तेजस फिल्म भी इस फ्राइडे रिलीज हुई है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नहीं देखा आपने तो डेफिनेटली देखिए, मेरा रिव्यू को देखे बिना मूवी को देखिए, क्योंकि मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मूवी को लेकर नेगेटिविटी बहुत सारी फैलाई जा रही है पीआर के थ्रू, बॉलीवुड माफिया के थ्रू, लेकिन मूवी अच्छी है, फैमिली के साथ डेफिनेटली आप देख सकते हो। बाकी अगर मेरा रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, साथ में आई बटन में डेफिनेटली उसको आप देख सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये मूवी एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जिसको मैडॉक्स फिल्म्स ने बनाए हैं। नॉर्मली मैडॉक्स तो हर कॉमेडी फिल्में बनाता है, लेकिन लगता है इस फिल्म से ना उन्होंने जरा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा होगा। अब फिल्म की कहानी के बारे में आपका हल्का हिंट कर देता हूं मैं, ताकि आपको मालूम चल जाए कि ये माल किस तरह का माल है। फिल्म का जो टाइटल है सजनी शिंदे प्लेड बाय राधिका मदानी, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन उसका अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है। वो वीडियो क्या होता है मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। चलो बता ही देता हूँ, उसका एक डांस का अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो स्कूल में टीचर रहती है, अब कोई भी स्कूल ऐसी टीचर को तो स्कूल में रखेगा नहीं, स्कूल वाले उसको जॉब से निकाल देते हैं। और जब ये वीडियो फैमिली तक पहुंचते हैं, उसके फियांसे तक पहुंचते हैं ना, दोनों उससे बात करना बंद कर देते हैं। और ऐसी हालत में वो एक सुसाइड नोट लिखती है, और सुसाइड नोट में ये लिखती है कि इसकी सारी जिम्मेदारी उसकी फैमिली के ऊपर है और उसके फियांसे के ऊपर है। और जब ये लेटर पुलिस वाले तक पहुंचता है ना, पुलिस वाली धर लेती है फैमिली को और फियांसे को भी। अब किसने किया, क्यों किया, सजनी कहाँ है, जिंदा है कि मर चुकी है, इस सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब देखो स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अच्छी स्टोरी को कैसे बेकार बनाते हैं ना कोई इस फिल्म से सीखे। ऐसी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसाला होता है ना वो होता है थ्रिल का, टेंशन का, सस्पेंस का। पर पूरी मूवी से भाई ये तीनों ही मसाले गायब थे। पूरी मूवी फ्लैट थी, कोई भी चीज देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, लगता ही नहीं कि आप कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो। जो कॉन्वर्सेशन भी चलती है मर्डर मिस्ट्री के अराउंड वो भी आपको बहुत ही ठंडा लगता है, मतलब आप कोई भी चीज ध्यान से नहीं सुनते हो। बहुत ही एवरेज मूवी है, मुझको तो ये मूवी ने डिसअपॉइंटिंग किया, कोई उम्मीद लेकर नहीं गया था मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए ना। पर पूरी मूवी फ्लैट रहती है, और जो सस्पेंस भी रिवील होता है ना कि एक्चुअल में क्या हो सजनी के साथ, वो भी चीज ना आपको सरप्राइज नहीं करती है। अच्छा ये था क्या, आप लिटरली ऐसा बोलते हो, तो बहुत ही ठंडा मूवी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना है तो देखो, बाकी एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना भाई साहब, मूवी डेफिनेटली आपका मूड खराब करने वाली है। तो यही था मेरा रिव्यू सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, टाइटल काफी अच्छा है इस फिल्म के लिए। चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। बाय।